गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ज्ञानेंद्र कुमार नायक का साइंस का टीचर आपकी साइंस बुक साइंस क्रिएशन से चैप्टर 3 पार्ट 3 पढ़ाएंगे आज। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टाइमस, सजीवों में उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टाइमस मूली आर चेंज इन देयर सराउंडिंग। सजीव जो है उद्दीपन के प्रति बाह्य उद्दीपन के प्रति या बाह्य वातावरण के चेंज परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण में, इन ब्राइट लाइट द पुपिल्स आर द आई नैरो। उदाहरण में, जब तेज प्रकाश जो है पुपिल्स पर पड़ता है, आपके पुपिल्स पर पड़ता है, तो आपकी पुपिल्स जो है वो सिकुड़ जाती है। और जब जो है कि अंधेरे में हम पहुंचते हैं, अंधेरे में रहते हैं, तो आपकी पुपिल्स जो होती है पुतली जो है चौड़ी हो जाती है, फैल जाती है। इन हॉट सीजन अवर बॉडी स्टार्ट रेस्पिरिंग, आप गर्मी के ऋतु में हमारे शरीर से जो है पसीना निकलना प्रारंभ हो जाता है। सो दैट अवर बॉडी टेम्परेचर डज नॉट राइज, इसलिए हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है, शरीर का जो तापमान है, वो बढ़ता नहीं है। वायुमंडल के तापमान के बढ़ने के कारण जो है बॉडी का टेम्परेचर जो है नहीं बढ़ता है। इन विंटर ठंडी में डीसी हम देखते हैं डेट अवर स्किन रिंकल्स, हमारी स्किन में रिंकल्स आना शुरू हो जाती है, झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती है। टू अवॉइड लॉस ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी, इससे ऐसा इसलिए होता है कि शरीर से जो गर्मी होती है उसका लॉस कम हो, लॉस जो है से बचा जाए, नुकसान ना हो, गर्मी जो है हीट जो है शरीर के अंदर ही रहे, बाहर नहीं जाए। इफ अवर हैंड्स टचेस ए हॉट ऑब्जेक्ट, यदि हमारा हाथ जो है टच करते हैं, यदि हम हमारा हाथ जो है टच करता है एक गर्म ऑब्जेक्ट को, एक गर्म वस्तु को, आर ए थ्रोन पीक से या कांटा जो है चुभ जाता है, आर फुट या पैर में, डी रिस्पॉन्ड क्विकली, तो हम तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं बाय ड्रॉइंग अवर हैंड से, तो हम अपने हाथ को जो है तुरंत जो है कि खींच लेते हैं। आर रिमूविंग द थ्रोन फ्रॉम अवर फुट या रिमूव करते हैं, निकालते हैं कांटे को जो है अपने पैर से। वार्म्स मूव अवे फ्रॉम द सैलिन सॉल्यूशन एंड साल्ट। वार्म्स जो होते हैं, कीड़े जो होते हैं, हमेशा दूर रहते हैं, जो है कि दूर रहते हैं सैलिन सॉल्यूशन से, खारे मिलियन से एंड साल्ट और मिक्स। कॉकरोच कम आउट इन द डार्क एंड मूव अवे फ्रॉम लाइट। कॉकरोच जो है कि रात अंधेरे में निकलते हैं और प्रकाश से दूर रहते हैं। द प्लांट मूव टुवर्ड्स द लाइट, प्लांट्स जो है पौधे जो है प्रकाश की तरफ जो है कि प्रकाश की तरफ गति करते हैं। व्हेन केप्ट इन डार्क रूम, जब उन्हें अंधेरे कमरे में रखा जाता है, दिस मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इस प्रकार के मूवमेंट्स को लाइट की तरफ प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। रूट्स ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड्स, रूट्स जो है जड़ जो है हमेशा जो है कि नीचे की तरफ जाती है। अब वे बी प्लेस द सीड्स, नीचे की तरफ जाती है, हम जहाँ पे जो है कि बीज को रखते हैं। दे रिस्पॉन्ड टू ग्रेविटी, ये जो है ग्रेविटी के प्रति, गुरुत्वाकर्षण के प्रति प्रतिक्रिया होती है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म, इस प्रकार के मूवमेंट को जियोट्रोपिज्म कहा जाता है। लिविंग थिंग्स नीड फूड, सजीवों में भोजन की आवश्यकता। हाउ डू यू फील व्हेन यू डू नॉट गेट फूड ऑन टाइम, कैसा आप महसूस करेंगे यदि आपको जो है कि भोजन समय से न मिले। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड टू ग्रो एंड टू डू वर्क, सभी सजीव जो है वो भोजन की आवश्यकता होती है वृद्धि के लिए और कार्य करने के लिए। मोस्ट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन देयर ग्रीन लीव्स, अधिकतर पौधे जो है अपना भोजन जो है स्वयं हरी पत्तियों के द्वारा बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं हरी पत्तियों के द्वारा बनाते हैं। They are called autotrophs, उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। As they make their food on their own, जैसा कि they make their food on their own, वे स्वयं अपना भोजन बनाते हैं।
स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, गेट देयर फूड, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ, दे डू नॉट मूव अबाउट लाइक एनिमल्स टू गेट देयर, वे जो है मूव नहीं करते हैं, गति नहीं करते हैं जंतुओं की तरह अपने भोजन के लिए। मैनी विल्ड एनिमल्स, बहुत से जंगली जंतु गेट देयर फूड बाय किलिंग अदर एनिमल्स, बहुत से जंगली जंतु जो है कि अपना भोजन जो है दूसरे जंतुओं को मार करके प्राप्त करते हैं, किलिंग करके प्राप्त करते हैं। अदर्स ईट ओनली प्लांट्स, दूसरे जो जंतु हैं वे पौधे पर निर्भर करते हैं और पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं। एनिमल्स आर हेटरोट्रोफ, जंतु जो है परपोषी होते हैं। एज दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, जैसा कि वे निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए दूसरे जंतुओं दूसरे पर। लिविंग थिंग्स एक्सक्रिएट, सजीवों में उत्सर्जन। ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स इज हार्मफुल फॉर द बॉडी, संग्रह वेस्ट मटेरियल का संग्रह जो है बॉडी के अंदर शरीर के अंदर नुकसानदायक होता है शरीर के लिए। द प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग वेस्ट इज कॉल्ड डिस्पोजल, प्रक्रिया जिसमें जो है कि वेस्ट को जो है बाहर निकाला जाता है उसे उत्सर्जन प्रक्रिया कहते हैं। वेस्ट मटेरियल्स आर एक्सक्रीटेड मेनली इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्वीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द लिविंग बीइंग। वेस्ट मटेरियल से जो है उत्सर्जित किए जाते हैं मेनली इन द फॉर्म ऑफ मुख्यतः रूप में यूरिन के रूप में, मूत्र के रूप में, स्वीट पसीने के रूप में एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द लिविंग बीइंग सजीवों के द्वारा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक कोशिकीय जीव लाइक अमीबा, यूग्लिना, पैरामीसियम, बैक्टीरिया रिमूव वेस्ट थ्रो सरफेस ऑफ देयर बॉडी। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीसियम, बैक्टीरिया जो जीवाणु है ये रिमूव करते हैं वेस्ट को बाहर निकालते हैं सतह से अपने शरीर के। प्लांट एक्सपेल CO2 एंड वाटर वाइपर थ्रू द स्मॉल पोर्स इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा, प्लांट्स जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प को छोटे सूक्ष्म पोर्स से जो है पत्तियों में जो है छोटे पोर्स पाए जाते हैं उन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, वहां से आदान प्रदान करते हैं। दे आल्सो स्टोर वेस्ट इन स्पेशल से, वे जो है कि स्टोर करते हैं संग्रह करते हैं वेस्ट को इन स्पेशल सेल विशेष पुस्तकों में। सम ऑफ दीज वेस्ट आर यूजफुल टू अस, कुछ वेस्ट जो है इसमें से हमारे लिए फायदेमंद होता है लाभदायक होता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण में गम लेटेक्स इटीसी, गम लेटेक्स इटीसी, गम इज द बेस्ट गिवन आउट ऑफ द स्टेम ऑफ एक्टा प्लांट्स प्लांट्स, गम जो है कि बेस्ट होता है जो कि बाहर गिवन आउट बाहर निकलता है स्टेम ऑफ एक्टा प्लांट, एक्टा प्लांट के स्टेम। रबर इज आल्सो गिवन आउट बाय रबर ट्री, रबर जो है कि रबर के ट्री से निकलता है बाहर निकलता है। लिविंग थिंग्स रिस्पायर, लिविंग थिंग्स में सोच सकते हैं। टेक ए डीप ब्रेथ एंड देन ब्रेथ आउट, आप तेजी से गहरी सांस लीजिए और सांस को फिर छोड़िए। यू हैव जस्ट टेकन इन ऑक्सीजन, आप जो है कि ऑक्सीजन लेंगे एंड गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। क्लोज योर नोज एंड माउथ फॉर अ वाइल, आप जो है कि अपनी नाक और मुंह को बंद कर लीजिए, जब बंद करेंगे हाउ डू यू फील, कैसा आप महसूस करेंगे। यू विल सफोकेटेड, आपको जो है कि परेशानी महसूस होगी, दिक्कत महसूस होना शुरू हो जाएगी। इट इज बिकॉज द एयर यू वेयर ब्रीदिंग वाज मस्ट फॉर यू, इसलिए क्योंकि जो है कि हवा जो है हमारे लिए सबसे जरूरी है, श्वसन क्रिया के लिए सबसे जरूरी सबसे आवश्यक है सबसे महत्वपूर्ण है। द एयर यू वेयर ब्रीदिंग इन वाज ऑक्सीजन, हवा जिसमें जो है श्वसन क्रिया में हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हवा के द्वारा लेते हैं। द ऑक्सीजन कंबाइंस विद द फूड, ऑक्सीजन जो है जुड़ जाती है फूड के साथ, भोजन के साथ। दैट यू डाइजेस्ट एंड प्रोडक्ट्स एनर्जी, इस प्रकार से जो है कि आप जो है भोजन को डाइजेस्ट करती है हवा जो है, हवा ऑक्सीजन के साथ मिल करके भोजन को डाइजेस्ट में और प्रोडक्ट्स एनर्जी और एनर्जी का उत्पादन होता है। व्हाई डू वी नीड एनर्जी, क्यों जो है कि हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वी नीड एनर्जी टू स्टे डी,
हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। द मूवमेंट ऑफ अवर आर्म्स एंड लेग्स, जो गति है हमारे हाथ और पैर में। द ब्लिंकिंग ऑफ अवर आईज, आंखों का झपकना। एंड द बीटिंग ऑफ योर हार्ट यूजेज एनर्जी, और दिल का धड़कना, इसमें ऊर्जा का यूज होता है। यू यूज एनर्जी व्हेन यू रीड ए बुक, आप जो है कि ऊर्जा का यूज जो है करते हैं जब आप बुक को पढ़ते हैं। व्हेन यू थिंक, जब आप सोचते हैं। एंड व्हेन यू ईट, जब आप खाते हैं। ऑल लैंड एनिमल्स, सभी भूमिगत जंतु, भूमि पर रहने वाले जंतु, ब्रेद इन ऑक्सीजन, श्वसन प्रक्रिया सांस लेने में ऑक्सीजन का यूज करते हैं, फ्रॉम द एयर, वायु से। फिश ब्रेथ ऑक्सीजन, फिश जो है मछली जो है सांस लेती है ऑक्सीजन, डिजॉल्व इन वाटर, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है। स्पीसीज, प्रजाति, यू कम अक्रॉस वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन योर सराउंडिंग, आप जो है विभिन्न प्रकार के जीव जो है आपके आसपास रहते हैं, जो है गिरे हुए हैं। आर दे आल अलाइक, वे जो है क्या वे सब समान है। सर्टेनली नॉट, निश्चित रूप से नहीं। ए डॉग डिफर फ्रॉम ए कैट, एक डॉग जो है डिफर है, अलग है फ्रॉम ए कैट, एक बिल्ली से। ए कैट फ्रॉम ए बिग पिग एंड ए पिग फ्रॉम ए गोट, एक कैट जो है, एक बिल्ली जो है पिग से जो है एक सुअर से अलग है, और एक सुअर जो है एक बकरी से संरचना और कार्य में अलग है। ईच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक प्रकार के जीव, डॉग कैट पिग एंड गोट, कुत्ता बिल्ली सुअर और बकरी, हैज मैनी इंडिविजुअल विच आर सिमिलियर टू ईच अदर, इसमें जो है बहुत से जो है अप्रत्यक्ष रूप से जिसमें कुछ समानताएं पाई जाती है एक दूसरे में। दीज इंडिविजुअल में डिफर स्लाइटली, बट द फॉर्म हैबिट एंड बिहेवियर आर ऑलमोस्ट द सेम, ये इंडिविजुअल जो डिफरेंस है स्लाइटली बट फॉर्म, लेकिन जो ग्रुप संरचना है, हैबिट है, निका स्थान है और बिहेवियर जो व्यवहार है, इसमें कुछ जो है समानता पाई जाती है, अधिकतर समानता पाई जाती है। सच ए ग्रुप ऑफ सिमिलियर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस प्रकार से एक समूह जो समान जीवों का है, नोन एज स्पीसीज, इसे प्रजाति के नाम से जाना जाता है। द मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज हैव सिमिलियर बॉडी पार्ट्स, मेंबर्स जो है जो सदस्य हैं प्रजाति के, उनमें सिमिलियर समान बॉडी पार्ट्स हैं, शरीर के हिस्से हैं। लिव इन द सेम हैबिटेट, और ये जो है कि निवास करते हैं समान हैबिटेट में, समान निवास स्थान में निवास करते हैं। ईट द सेम काइंड फूड एंड रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्फ, और भोजन जो है करते हैं समान प्रकार के भोजन करते हैं, और प्रजनन प्रक्रिया जो स्वयं करते हैं वो भी समान रहती है। ए हॉर्स विल ऑलवेज प्रोड्यूस हॉर्सेस, एक हॉर्स जो है कि हमेशा उत्पन्न करता है हॉर्स घोड़ों को। इट कैन नॉट प्रोड्यूस ए एलिफेंट, ये जो है कि एन एलिफेंट, ये जो है कि प्रोड्यूस नहीं कर सकता एक एलिफेंट को। ए रोज प्लांट विल ऑलवेज प्रोड्यूस सीड्स, एक रोज प्लांट्स जो है विल ऑलवेज प्रोड्यूस, हमेशा जो है कि उत्पन्न करता है बीज को। फ्रॉम बीज ओनली रोज प्लांट, बीज सीड जो है, बीज जो है फ्रॉम बीज ओनली रोज प्लानेट, केवल जो है रोज प्लानेट से है, कैन ग्रो, जो कि ग्रो करता है, वृद्धि करता है। देयर आर अबाउट 16 lakh species of animals and 4 lakh species of plant in the world, यहाँ पे 16 लाख species जो है
जंतुओं की और 4 लाख स्पीसीज जो है प्रजातियां जो है पौधों की दुनिया में है। आर ऑल लिविंग थिंग्स इन दी अर्थ, क्या सभी सजीव जो है समान है। लाइक द इन एनिमेट वर्ल्ड लिविंग वर्ल्ड इज आल्सो फुल ऑफ डाइवर्सिटी एंड वैरायटी, जैसे कि जैसे जो है एनिमेट वर्ल्ड है, एनिमल संबंधित दुनिया जो है जिसमें लिविंग वर्ल्ड है जो सजीवों की दुनिया है, आल्सो फुल ऑफ डाइवर्सिटी, इसमें जो है जैव विविधता पाई जाती है अलग एंड वैरायटी अलग अलग प्रजातियों में। ईच ऑर्गेनिज्म पोजेज डिफिनिट से, प्रत्येक जीव में एक निश्चित आकार आकृति संरचना और कलर पैटर्न होता है, रंग का पैटर्न होता है। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस वेरिएशन, क्या कारण है इस विभिन्नता का। द दे वेरी बिकॉज दे लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स, ये अलग अलग होते हैं क्योंकि अलग अलग जो है कि अलग अलग निवास स्थान पर रहते हैं। एंड इट वेरियस काइंड्स ऑफ फूड्स, और अलग अलग प्रकार के भोजन जो है भोजन खाते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स फीड ओनली ऑन प्लांट्स, सेवरल फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ जीव जो है केवल जो है कि पौधों को खाते हैं और कुछ जीव जो है पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं। वाइल ए फ्यू ईट ओनली एनिमल, जबकि कुछ जो है केवल जंतुओं को खाते हैं। सिमिलरली देयर इज डाइवर्सिटी, समानता देयर इज डाइवर्सिटी, जो जैव विविधता है इन द हैबिटेट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, रहने के स्थान पे अलग अलग जीवों के रहने के स्थान पे। लेट अस रीड, अब जो है कि हम लेट अस रीड अबाउट दिस इन ब्रीफ नाउ, अब जो है कि हम पढ़ेंगे इसके विषय में संक्षिप्त रूप से। हैबिटेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों में निवास स्थान। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड ए प्लेस टू लिव वेयर दे कैन गेट प्लेंटी ऑफ फूड, सभी सजीवों में आवश्यकता होती है एक स्थान पर रहने के लिए, एक स्थान की आवश्यकता होती है। वेयर दे कैन गेट प्लेंटी ऑफ फूड, जहाँ पे वो जो है कि भोजन प्राप्त कर सके, रहने का सेंटर प्राप्त कर सके, रहने का स्थान, एंड प्रोटेक्टर और सुरक्षा प्राप्त कर सके फ्रॉम एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, जब जो है जैसी जलवायु की स्थिति हो उसके अंदर। द प्लेस ऑफ देयर लिविंग इज कॉल्ड देयर हैबिटेट, स्थान देयर लिविंग इज कॉल्ड देयर हैबिटेट, जहाँ पे जीव जो रहते हैं इज कॉल्ड देयर हैबिटेट, उसको उनका निवास स्थान कहा जाता है, जिस स्थान पे जो है कि जीव रहते हैं, रहने का अपना स्थान बना लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, सजीवों में एक विभिन्न आवास निवास स्थान पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण में ए पॉन्ड, एक तालाब इज ए हैबिटेट, एक रहने का स्थान है। एंड सो इट इज ए फॉरेस्ट एंड सी, इसी प्रकार एक जंगल और एक समुद्र। इवन सी शोर, समुद्र का जो किनारा होता है। एयर एंड सॉइल आर हैबिटेट्स फॉर वेरियस एनिमल्स, हवा और मिट्टी जो है निवास स्थान होती है अलग अलग जीवों के लिए। अब जो है कि आप फिगर में देख सकते हैं, ईच इंडिविजुअल रिक्वायर्स, प्रत्येक जो है इंडिविजुअल रिक्वायर्स ए पर्टिकुलर हैबिटेट एंड एनवायरनमेंट टू लिव बेटर एंड सर्वाइव लॉन्गर, प्रत्येक जीव को जो है जो भी जीव है उनको आवश्यकता होती है एक विशेष निवास स्थान की और वातावरण की, टू लिव बेटर, अच्छी तरह से जो है कि रहने के लिए और सर्वाइव लॉन्गर और लंबे समय तक जीवित रहने के लिए। मैनी प्लांट्स सच एज लोटस एंड वाटर चेस्ट नट्स ग्रो बेटर इन वाटर, बहुत से प्लांट्स जैसे कि लोटस है और जल में चेस्ट नट्स होता है जो जल में ग्रो करता है, बेटर इन वाटर, ये अच्छी तरह से
अपने आप को जो है कि वाटर में ही रह लेते हैं, वाटर में ही अनुकूलित होते हैं रहने के लिए। वाइल सम प्लांट्स, जबकि कुछ पौधे जैसे कि कैक्टस है, रिक्वायर ड्राई कंडीशन टू सर्वाइव, इसको शुष्क कंडीशन की आवश्यकता होती है सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए। दी डिफरेंट प्लांट्स प्रिफेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, इस प्रकार के अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता पैदा होते हैं, ग्रो करते हैं एंड बिकेम हेल्दी और स्वस्थ होते हैं। द वैरायटी ऑफ एनिमल्स सराउंडिंग अस आल्सो लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स, जो वैरायटी है जंतुओं की सराउंडिंग, चारों तरफ जो है हमारे तरफ चारों तरफ जो रहते हैं जंतु, आल्सो लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटेट, ये जो है अलग अलग प्रकार के हैबिटेट्स में निवास करते हैं। यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा होगा, बर्ड्स फ्लाइंग इन द एयर, पक्षी जो है उड़ते हैं हवा में, मंकी लिविंग ऑन ट्री, मंकी जो है बंदर जो है पेड़ पर रहते हैं, एंड मैनी वाइल्ड एनिमल्स, और बहुत से जंगली जंतु लिविंग इन फॉरेस्ट, जो है कि जंगल में रहते हैं। सिमिलरली वन कैन फाइंड फ्रॉग्स, उसी तरह एक जो है वन कैन फाइंड फ्रॉग फिश वेल सिटीज, उसी तरह जो है कि हम मछलियों मेंढक और वेल्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। इन वाटर, पानी में, एवरी डे, प्रत्येक दिन, वी कम अक्रॉस डॉग कैट्स काउज एंड बफेलो विच लीव ऑन लैंड, प्रत्येक दिन जो है कि हम देखते हैं कि कुत्ता बिल्ली गाय भैंस जो कि निवास करते हैं भूमि पे। Have you ever seen, क्या आपने देखा है, the habitats of ants and earthworms, चींटी का और केंचुए का निवास स्थान देखा है, they live in the soil, वे कहाँ रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं। Know about more, अब जो है कि इसके बारे में और अधिक जानेंगे। There are very virus like things which may be classified in between living and non living things, यहाँ पे वायरस जो है, वायरस की तरह जो वस्तुएं हैं, विच मे बी क्लासिफाइड, जिनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सजीवों और निर्जीवों दोनों तरीके से जो है कि वर्गीकृत कर सकते हैं, दोनों तरीके से। दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई, वे जो है कि ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, व्हेन दे एंटर ए लिविंग, जब जो है कि वे एक शरीर में प्रवेश करते हैं, कौन, वायरस। दे आर लाइफलेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग बॉडी, वे जो है लाइफलेस होते हैं, जीवन विहीन होते हैं बाहर, शरीर के बाहर जो है, जब किसी जीव के शरीर के बाहर होते हैं तो जो है कि ये जीवन विहीन होते हैं। दे आर जस्ट लाइक ए क्रिस्टल, ये क्रिस्टल की तरह होते हैं वायरस। द एंशियंट ग्रीस प्रॉस्पर, प्राचीन ग्रीस के दार्शनिक अरस्तु, एज द फादर ऑफ बायोलॉजी, एक कौन थे अरस्तु, कौन थे, फादर ऑफ द बायोलॉजी, जो विज्ञान के जनक थे। बिगेस्ट एंड लैंड एनिमल्स इज एलिफेंट, सबसे बड़ा जो है जंतु जो है जो एलिफेंट, जो जंतु है लैंड पे भूमि पे एलिफेंट है, हाथी। लार्जेस्ट एनिमल्स इन द वर्ल्ड इज ब्लू व्हेल, सबसे बड़ा जंतु जो है दुनिया का जो है ब्लू व्हेल है। टॉलेस्ट प्लांट इज जेंट रेडवुड ट्री ऑफ कैलिफोर्निया सिक्वोया, सबसे लंबा पौधा जो है जेंट रेडवुड का पौधा है, पेड़ है जो कि कैलिफोर्निया के सिक्वोया में है, सबसे लंबा पौधा है। युगलिना एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, युगलिना जो है एक कोशिकीय जीव है जिसमें जो है कि दोनों तरीके की विशेषता पाई जाती है, पौधों की भी विशेषता पाई जाती है और जंतुओं की विशेषता पाई जाती है। इट हैज क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, बट लैक सेल वॉल, लेकिन जो है सेल वॉल की कोशिका भित्ति की कमी होती है, ये एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स है, और जो क्लोरोफिल है वो प्लांट कैरेक्टरिस्टिक, प्लांट संबंधी विशेषता है। बेस्ट इन स्पेशल सेल, इसमें बेस्ट सेल वॉल बेस्ट जो है विशेष कोशिकाओं में पाया जाता है,
some of these waste are useful to us. कुछ waste जो होते हैं ये फायदेमंद होते हैं हमारे लिए. For example, gums, latex. Gums और latex जो है plants से waste पाए जाते हैं, ये हमारे लिए फायदेमंद होते हैं. Gum is waste given out by the stem of acacia plant. Gum जो है ये waste है जो कि निकलता है स्टेम से अकाकिया प्लांट के. रबर इज आल्सो गिवन आउट बाय रबर ट्री. रबर जो है निकलता है रबर ट्री से. अब जो है कि नेक्स्ट चैप्टर जो है कि नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे.